इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं जो श्रीनगर से आ रही है। यहाँ सनत नगर चौक पर सीआरपीएफ की बटालियन पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 29वीं बटालियन की गाड़ी पर उस वक्त हमला बोला जब वो अपने कैंप पर जा रहे थे। इस वक्त की बेहद अहम खबर श्रीनगर से आ रही है जहां सनत नगर चौक पर सीआरपीएफ की बटालियन पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि आतंकियों ने 29वीं बटालियन की गाड़ी पर उस वक्त हमला बोला जब वो अपने कैंप पर जा रहे थे। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खालिद, क्या है ताजा जानकारी? देखिए, जो हमें खबर मिली है सीआरपीएफ की तरफ से, यहाँ सनत नगर चौक में जो अपटाउन में है वहां पर सीआरपीएफ की 29 बटालियन की एक पार्टी थी जो ड्यूटी कर लौट अपने कैंप में जा रही थी। उस पर सनत नगर चौक में इंडिस्ट्रोट फायरिंग हुआ था, तोड़ फायरिंग हुआ और उसमें कोई भी जवान अभी तक बताया जा रहा है घायल नहीं हुआ है, जो सीआरपीएफ सीआरओ में बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं उस स्पॉट पे मौजूद हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरे सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी जो है यहाँ पॉट उन्होंने किया है एरिया को और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल इनी कन्वेंशन सेंटर है जो मैरिज हॉल है वहाँ पर अंदर गाड़ियां जाती हुए हम देख रहे हैं पुलिस और सीआरपीएफ के, और वो लोग जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है ताकि अगर मिलिटेंट यहीं कहीं हो तो उन्हें यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर उन्हें इसके साथ एनकाउंट हो। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। बात यह है कि किसी भी सुरक्षा बल के हताहत होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।